हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। दोस्तों मेरा नाम राजू मौर्य है, मैं एशिया के टेलीकॉम का आज मेरा छठा दिन है जी। जो मेरा आज आर्डियो सेक्शन का पूरा क्लास था, देव सर ने जो क्लास में जानकारी दी, मैं अपने लखनऊ से अपनी दुकान से एक फोन लेके आया था MI Note 4 का, जो वहाँ के कई कारीगरों से नहीं बन पाया था जी। उसको मैं आज यहाँ पर लेके आया सर से, मैंने कहा सर इसमें ये समस्या है, ये मेरा फोन है सर जी, जिसमें लोगों ने कहा भाई ये नहीं बन पाएगा मेरे से, इसकी सप्लाई नहीं आ रही है, जो भी नहीं आ रही है, तो हमसे भी नहीं बन पाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की क्योंकि हमको भी जानकारी नहीं थी पूर्ण रूप से जी। आज मेरा जो ऑडियो सेक्शन का क्लास था उसके बारे में सर ने बताया, सर ने कहा बेटा तुम स्वयं करो इस चीज़ को, तो इस चीज़ को मैंने स्वयं समझा पूरी डीपली, जैसे कहते हैं कि शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ एक एक डायोड कैपेसिटर रजिस्टर डिग्री जानकारी मिली, उसके बारे में आज मैं अभी स्वयं बना के इसको दे रहा हूँ। बाकी जो जिसमें जो IC लगे K318 इसके बारे में डायग्राम मैंने बनाया, इसको मैं बता रहा हूँ आपको जी। सबसे पहले चीज इसमें जो है BPS लाइन आती है DC-to-DC IC से जी। आपकी ये 3 पे आती है आपकी 4 वोल्ट जी, 4 वोल्ट सप्लाई आती है अपनी ये इस पे और इस पे जो 16 टांग की जो है ये IC होती है अपनी जी। और उसके बाद में जो है सबसे पहली चीज ये है कि मेन पावर IC से आपकी आती है CDC कोड, CDC लाइन अगर डायग्राम भाषा में कहें तो CDC लाइन होती है ये, जिसमें आपकी सप्लाई एक आ रही है A1 और A2 में, जिसको कैपेसिटर और जो है 3 के रजिस्टर के जरिए यहाँ पर सप्लाई आती है। और उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि सबसे मेन चीज जो होती है CPU, जैसे खोपड़ी अपनी होती है तो खोपड़ी से तो जब तक तो कोई इंडिकेशन नहीं मिले तब तो कोई काम नहीं होगा, तो यहाँ पर EL सिग्नल इसे बोलते हैं डायग्राम भाषा में, यहाँ पर 1.8 की सप्लाई आएगी तभी आपका रिंगर बजेगा, वरना सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे जो फोन में समस्या थी वो समस्या यही थी, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं पर इसके बाद एक रजिस्टर लगा होगा जो 100 के लगा वो हाई वोल्टेज का होगा। और रही बात ये कि सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर B reference में ये है कि एक आपका कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ है, जो यहाँ पर अगर ये नहीं होगा हमारी पूरी IC ये हीट करेगी, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़। और यहाँ पर जो है आपका ये यहाँ पर हम चेक करेंगे तो OL आएगा, यहाँ पर कैपेसिटर सीधे कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आई हुई है, ये होता है इमरजेंसी सेवा के लिए, इसमें जो है अगर हमारी सप्लाई कभी कम पड़ती तो यहाँ से मिल जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि अब यहाँ पर आपकी स्पीकर आउटपुट की सप्लाई निकलती है, जिस पर 2 वोल्ट से 3 वोल्ट तक एक रजिस्टर हाई वैल्यू रजिस्टर के जरिए जो है कॉइल आती है, कॉइल लगी हुई है, कॉइल लगी हो कॉइल के जरिए यहाँ पर 2 से 3 वोल्ट की सप्लाई आती है, स्पीकर एक प्लस होता है और एक स्पीकर माइनस होता है, जो कि B4 और जो है D4 पे सप्लाई आती है। इस तरीके से हम अपना फोन अभी हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, बनाते हैं, बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बन जाता है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Yeah.
आईसी है ये, और इन्होंने लाइव अभी के अभी बनाया है इसको। आप आवाज भी सुन सकते हैं, पहले आवाज कैसी आ रही थी और अभी आवाज कैसी आ रही है। तो राजू कैसा लग रहा है ये काम करके आपको? जबरदस्त सर। हैं, ये प्रो लेवल का काम है, बारीक सी आईसी थी, आपने बिना रिवॉल्व करे इसको लगाया। जी सर। ये अनुभव कैसा रहा आपका? जबरदस्त सर। आज तक अभी मैंने कभी काम नहीं किया था, मैंने ये कई कारीगरों को भी दिखाया था लेकिन बन नहीं पाया था सर। हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बैच। जी सर। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। यस सर। तो क्या क्लास थी आज हमारी? ऑडियो सेक्शन की। किसके क्लास थी हमारी? ऑडियो सेक्शन की। किसके क्लास थी? ऑडियो सेक्शन की। किस किस का ऑडियो बजा? सबका। किसका ऑडियो बजा? सबका। यस सर। आपका भी? यस सर। आपका भी? यस सर। आपका भी? यस सर। तो कैसा लगा भाई क्लास आपकी? जबरदस्त सर। क्लास किनके साथ थी आपकी? किनके साथ? तो क्या खाली एक ही मॉडल पे थी क्या उन्होंने? नहीं सर। दो मॉडल पे थी? नहीं सर। तीन मॉडल पे थी? नहीं सर। काई पे थी आप? सीपी वाइज थी। सीपी वाइज थी? जी सर। वो सीपीयू हमारा भले ही मीडिया टेक का हो, एसपीडी स्पेक्ट्रम का हो, क्या हुआ ज़ायरोक्स का हो, यस सर, तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कौन कौन बना सकता है? सब बना सकते हैं। क्लियर है फॉर्मेट पूरा? आपको ट्रेस पॉइंट भी मालूम है? जी सर। ट्रेस पॉइंट भी मालूम है? जी सर। आपको स्मार्ट पीए में कहां वोल्टेज चेक करना है? यस सर। कितने वोल्टेज चेक करना है? यस सर। सब आईसी पे काम करना है? यस सर। सब सीपीयू पे काम करना है? चेक कर लेंगे सर। चेक कर लेंगे? यस सर। तो ये बताइए मेरे को, अगर नॉर्मल पीए होता है तो वो चेक कर लेंगे? यस सर। और गलती से आपके पास डीएसओ नहीं हुआ तो कौन कौन चेक कर सकता है? यस सर। आपके पास टेक्निक? यस सर। वेरी गुड। तो किस किस का क्लियर है भाई, थोड़ा हाथ खड़े करके? जी सर। सबका? यस सर। ये फर्जी तो नहीं है? नहीं सर। तो आप हाथ खड़े करो, फर्जी तो नहीं है? नहीं सर। नहीं है? चलिए तो शुरुआत करूंगा मैं आपसे। तो क्या क्लास थी आज हमारी? सर ऑडियो सेक्शन क्लास थी। ऑडियो सेक्शन की क्लास, किस प्रकार से आपको ऑडियो सेक्शन समझ में आया? आपकी देव सर के साथ क्लास थी, एक नंबर अच्छे से पढ़ाए, पहले समझाए विद प्रैक्टिकल, यहाँ तक कि वन प्लस फोन का भी चेक कराए। अच्छा,
बजा के दिखाए सब कुछ, क्वालिटी फोन था वो। यस सर, आपके सामने बनाया। यस सर। तो क्या क्या महसूस हो रहा है? कम से कम 8 से 9 फोन को चेक कराए हैं ऑडियो सेक्शन में, बजा बजा के सब दिखाए। हम मॉडल वाइज चेक पढ़ते हैं कि सीपीयू वाइज? सीपीयू वाइज। सीपीयू वाइज इजी हो जाता है, लाइट हो, ग्राफिक्स हो, नेटवर्क हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी हो, हम क्या ऑलवेज काय के किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे? सीपीयू के फॉर्मेट में पढ़ेंगे हम। यस सर, क्योंकि सीपीयू 4 है और मॉडल 25,000 है। यस, तो 25,000 मॉडल पढ़ना है कि 4 सीपीयू पढ़ना है? 4 सीपीयू पढ़ना है। तो मैं क्लास के बारे में पूछना चाहूंगा आपको, क्लास कैसी समझ में आई? अच्छी समझ में आई सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए। तो बताइए कैसे रही क्लास आज? आज आपकी एकदम जबरदस्त सर। तो किस लेवल का नॉलेज आया आपको? A1 लेवल का सर। A1 लेवल का? जी सर। तो सर के साथ क्लास कितने घंटे थी आपकी? 6 घंटे रहती है सर। 6 घंटे? तो सर खाली थ्योरी पढ़ाते कि प्रैक्टिकल करते हैं? थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता है? जी सर। और फिर ये 6-7 घंटे, ये 10:15 बज रही है रात की, तो मतलब ये किस लिए बज रही है? ये प्रैक्टिकल के लिए सर। प्रैक्टिकल? जी सर। प्रैक्टिकल क्या खाली तुमको बिठा देते हैं और बोर्ड हाथ में देते हैं कि तुम? नहीं सर, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। क्या होता है फिर बताओ थोड़ा सा। प्रैक्टिकल होता है सर, फुली प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे बाहर अंदर जाने का टाइम भी नहीं मिलता है, कोई पता ही नहीं चलता टाइम। आईसी उठा के चेक करा? जी सर। आईसी उठा के पैड लाइन तक सर, कहाँ पे कितने वोल्ट आना चाहिए, कितने जीआर आना चाहिए, कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, ये पूरा नॉलेज है आपको? जी सर। आपने खुद प्रैक्टिकल करा है? सब ने करा सर। क्रॉस टेली भी करा सर ने आपसे? जी सर। क्रॉस टेली भी करवाया? जी सर। आप समझे कि नहीं समझे? जी जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, अरविंद सिंह सर, वेस्ट बंगाल। अरविंद बताइए मेरे को, आज का ऑडियो का क्लास था देव सर के साथ, था क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा सर, मैंने टफ चीज भी बहुत ईजी हो गया। टफ चीज भी इजी हो गया? Yes, अगर मैं बात करूँ स्मार्ट पीए की, मैं बात करूँ नॉर्मल पीए की, तो आप बना सकते कि नहीं बना सकते? हाँ सर। वो नॉर्मल अगर स्मार्ट पीए का 42 वोल्ट का भी होगा तो कोई दिक्कत होगी आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अभी तो जिस तरह सर देव सर एक्सप्लेन किए अभी टफ चीज भी इजी हो गया है। टफ चीज भी इजी हो गया। तो आपने आपकी क्लास में स्मार्ट पीए भी चेक करा, नॉर्मल पीए भी चेक करा? यस सर। रिजल्ट मिला आपको? एकदम। वोल्टेज का रिजल्ट मिला? हाँ। जीआर का रिजल्ट मिला आपको? सर। लाइव आपने टेस्ट करा? लाइव टेस्ट किए, प्लस जो भी मैंने सिर में डाउट्स थे सर ने सब क्लियर करा दिया, जो थोड़े मोड़े डाउट्स थे वो प्रैक्टिकल में है, हैंड टू हैंड सब क्लियर करा दिए। कोई डाउट लेके तो नहीं जा रहा? नहीं सर, एकदम नहीं। इस क्लियर क्लास डाउट लेके नहीं, बल्कि सर मैं एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ, जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करके जा रहा हूँ। क्लियर करके जा रहा हूँ, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम राजू मौर्य, मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ। हाँ जी राजू। और आज मेरा 6ठा दिन था यहाँ का, जिसमें हमको ऑडियो सेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। जी, ऑडियो सेक्शन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज तक हमें ये नहीं पता था कि स्पीकर पे वैल्यू आती है तो क्या आती है। बराबर है। जिसके बारे में आज जानकारी मिली, 26 से 32 तक अगर आ रही है ईयर स्पीकर पे तो वो परफेक्ट है। जी। और रिंगर पे अगर 7 से 12 है तो वो परफेक्ट है। ये सब जानकारी हमें आज तक थी ही नहीं, खाली बस बीप की आवाज़ दे रही तो ओके, बाकी कोई भी जानकारी नहीं थी। जो जिस तरीके से आज जानकारी मिली है, जिसे कहते हैं पैर से लेकर सर तक A to Z, रिंगर में कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, A to Z कर सकते सर आसानी से, सरल भाषा में 10-15 मिनट के अंदर तो आसानी से हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे हाथ में स्मार्ट पीए दे दे, नॉर्मल पीए दे दे, दोनों कुछ भी मिल जाए सर, दाल चावल करके खा जाएंगे। खा जाएंगे? जी खा जाएंगे। पक्का? पक्का 100% सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं विराट, औरंगाबाद बिहार से हूँ। हाँ जी विराट बताइए। सर आज हमारा क्लास था ऑडियो सेक्शन का, जिसमें कि बाकी इस लेवल से सर ने बताया कि अपने पहले रिंगर जो होते थे, रिंगर को अपन पहले बिप में चेक करते थे। हाँ। लेकिन अब सर ने उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताया कि वो क्या वैल्यू भी हो सकता है उसका। बराबर। और ट्रेसिंग करना बताया कि किस पॉइंट पे कहां से कहां तक इसका पॉइंट है और कितने वैल्यू के रजिस्टर या फिर जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, टोटल चीज उन्होंने बताया। यहाँ तक कि आईसी के पाइपलाइन तक बताया कि कितने उसमें जीआर आ सकते हैं। बराबर। एकदम एक्यूरेट, ये नहीं कि हवा में नहीं, एकदम पक्का, वो भी टेस्टेड विथ करके दिखाए हैं उन्होंने। करके दिखाया, बाय प्रैक्टिकल। बाय प्रैक्टिकल सर। बाय प्रैक्टिकल। ये तो चलो ठीक है, बात बता दी सर ने, बहुत अच्छी क्लास हुई। आपके समझ में क्या है? बहुत सर, हमारे समझ में कि क्या बोलते हैं, इतने से लेके पूरा नीचे से लेके ऊपर तक, इंक टू इंक पॉइंट, स्टार्ट टू इंक पॉइंट। प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में मैंने खुद अपने से आईसी निकाला और पाइपलाइन चेक भी किया, और उसमें जीआर चेक किया, विथ वॉल्ट चेक किया, आउटपुट का वॉल्ट चेक किया। बराबर। यस सर। तो आपको अभी आ गया, कब आपका इनपुट है, कब आपके इनपुट वोल्टेज कितने आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी आईसी से कहाँ आना चाहिए। देखो हर चीज में क्लियर नहीं कर सकता, लाइव चल रहा है, हर चीज में क्लियर खोल के नहीं पूछ सकता आपसे। जो पूछना था, जो समझना था, वो सब समझ लिया है ना, सारी चीजें नहीं कर सकता मैं। तो ये लाइव चल रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी का आइडिया है? यस सर। आपको वोल्टेज का आइडिया है? यस सर। आपको जीआर का आइडिया है? यस सर। कौन सी लाइन सीपीयू से आएगी, कौन सी वीपीएच की कहाँ से आएगी, वो भी पता है सर। आइडिया है? यस सर। है ना, अगर स्मार्ट पीए लगाया तो पावर से कौन सी लाइन आएगी आपकी, वीपीएच की लाइन कौन सी होगी,
होगी आपकी yes, और उसके बाद अगर तुमको वोल्ट नहीं मिलते हैं आउटपुट में तो कहाँ पे जाना है, किस आईसी पे काम करना है? टोटल सर एक टू जेड एक एक पॉइंट बाई पॉइंट हमें पता है सर। अच्छा ये बताइए अभी प्रैक्टिकल क्लास में अपन ने कितने बोर्ड ट्रेस करे? कम से कम 8 से 10 बोर्ड तो सर किए होंगे। पूरे के पूरे ट्रेस किए कि नहीं? यस सर पूरे बाई प्रैक्टिकल किए कि नहीं? यस सर स्टार्ट किया। कोई सा ऐसा लगा कि हमको जो अननोन गया बोर्ड हमारा? नहीं सर सब में लगभग सब में आप लेटेस्ट और डेट ओल्ड से ओल्ड ओल्ड सर सब में चेक किया। चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है अर्शदीप, आइए बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? सर हमारी क्लास थी आज ऑडियो सेक्शन की क्लास थी हमारी। आज हमने पूरा देखा कि कौन सी लाइन कहाँ से कौन से कंपोनेंट है, प्रॉब्लम सीपीयू में है या अपना पावर में है या ऑडियो सेक्शन में है, वो सारे हमने ट्रेस की और खुद पाइपलाइन बनाई। सर ने हमें तरीका बताया पाइपलाइन बनाने का और उसमें हमने शॉर्टिंग चेक की जो भी था सारा पूरा चेक किया और हमें पूरी नॉलेज मिल गई इसकी आज। चलिए ठीक है अब इसके ऊपर कुछ है क्या? बिल्कुल बिना नॉलेज का कौन बोलेगा सर? बिना नॉलेज का नहीं बोलेगा क्योंकि आप फीस भर के बैठे हो आप। बिल्कुल है ना। तो सर की क्लास बहुत अच्छी थी काफी, आपको अच्छी भी पसंद आई। सर ने बाई प्रैक्टिकल भी बताया आपको, थ्योरिकली भी बताया आपको। तो कितना जरूरी है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों? जरूरी है सर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों जरूरी है। तो जो सर पढ़ाते हैं उसी का प्रैक्टिकल होता है कि नया प्रैक्टिकल होता है? जो पढ़ा रहे हैं उसका डिटेल में प्रैक्टिकल, पूरा डिटेल, दोनों का डाटा मैच होता है जी? बिल्कुल सिंक्रोनाइज होता है, बिल्कुल पूरा दिखा के डिटेल करा के दिखाते हैं पूरा का पूरा पूरा आईसी का बेड। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में, डुअल टेकर किया ना। आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू, डबल डेकर सर रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की, ये आपने किया सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट